आज की मेरी इस वीडियो में मेरी जो रेसिपी है वो छोला चाट के ऊपर है। ये बहुत ही हेल्दी है क्योंकि इसमें बिल्कुल भी ऑयल यूज़ नहीं किया गया है। मैंने जो है कुकर में पानी प्री हीट करने को रख दिया है। अब इसके अंदर मैं अपने छोले डालूंगी। छोले मैंने ऑलरेडी गला के रख दिए थे सुबह, तो अब मैं इसके अंदर कम से कम 1 से 2 चम्मच नमक और फिर उसके बाद मैं इसके अंदर थोड़ा सा फूड कलर भी ऐड और थोड़ा सा करूंगी। फूड कलर ऐड करूंगी। फूड कलर ऐड करने के बाद मैं इसे मिक्स कर दूंगी अच्छे से। जब पानी हमारा अच्छे से बॉईल हो जाए तो उसके अंदर हमें छोले डालने हैं। पानी हमें ज्यादा नहीं लेना है, इतना ही लेना है कि हमारे छोले उसके अंदर बस फिट बैठ जाए। और मैंने उसके अंदर थोड़े आलू भी काट के डाल दिए। आलू इसलिए काटे हैं क्योंकि हमें बाद में उससे थोड़ा गाढ़ापन चाहिए, इसलिए आलू भी मैंने यूज़ किए हैं। जब तक हमारे छोले बॉईल हो रहे हैं तब तक हम लोग हमारी सारी सब्जियां काट लेंगे। छोले जो है हमें कम से कम 20 से 25 मिनट तक बॉईल करने हैं क्योंकि वो गलेंगे नहीं अगर हम जल्दी कर लेंगे। और हमें सिम रखना है, मतलब लो से मीडियम फ्लेम पे हमें इसे बॉईल करना है। मेरे छोले जो है हो चुके हैं। अब इसके अंदर मैंने सब्जियां डालने के लिए इसे गैस पे चढ़ा रखा है, तो ये जो थोड़ा सा और गर्म हो जाए उसके बाद हम इसमें सारी सब्जी ऐड कर देंगे। धनिया ऐड आपको इस टाइम नहीं करना है, धनिया हम लास्ट में ऐड करेंगे। उसके अलावा हमारा टमाटर, मिर्ची और प्याज जो है वो हम लोग ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इसमें 2 से 3 चम्मच मिर्ची डालेंगे। नमक हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, वो पानी हमने छाना नहीं है, वो पानी इसी के अंदर है कुकर में ही, इसलिए हमें पानी और ऐड नहीं करना है। तो नमक ऑलरेडी हमारा यानी 2 चम्मच डला हुआ है। फिर भी अगर आपको नमक कम लगता है, जैसे कि मुझे लगा, तो मैंने 1 से 1.5 चम्मच नमक और ऐड किया है। अब इसमें ये चाट मसाला डाल रही हूँ, MDH चंकी चाट मसाला यूज़ कर रही हूँ मैं। के बाद मैंने ये जीरा पाउडर डाला है, 2 चम्मच जीरा पाउडर मैंने यूज किया है। और मैंने 3 चम्मच अमचूर डाला है। इसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और 1 नींबू भी हम इसमें ऐड करेंगे। हमारे इसमें जो आलू हमने डाले थे, मैंने 2 आलू डाले थे, उन आलू को मैंने अच्छे से इसमें मैश कर लिया है। अब मेरी जो मैंने इसे 10 से 15 मिनट तक मैंने इस चाट को गैस पे रखा है ताकि मेरा जो पानी है थोड़ा सा थिक हो जाए। अब इसमें मैंने धनिया भी ऐड कर दिया है। हमारी चाट बन के बिल्कुल रेडी है। अब आप इसे अपने मेहमानों के सामने या आप खुद के लिए भी इसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही हेल्दी है क्योंकि इसमें तेल का एक बूंद भी नहीं है। ये बिल्कुल हेल्दी चाट है। आप इसे अपने गेस्ट के सामने सर्व कर सकते हैं या किसी भी फेस्टिवल पे या किसी पे भी आप इसे बना सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही टेस्टी चाट है। आई होप गाइज आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। Oh, 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 oh